बड़ी खबर है जो आपको बता देना चाहती हूँ। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की तरफ से बड़ी खबर आई है, जहां कांग्रेस पर उन्होंने बड़ा हमला किया है। अमित शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। अमित शाह ने कहा है कि अपनी हार सामने देखकर कांग्रेस 2002 के गुजरात दंगे की बात 2017 के चुनाव में उठा रही है। पीएम मोदी से जामा मस्जिद में माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है, अमित शाह ने ये कहा, सुनिए। अच्छा, वो बयान आपको अमित शाह का मैं सुनाऊं, उससे पहले आपको बता दें कि चरण सिंह सापरा जो कि कांग्रेस के नेता है, उन्होंने बकायदा ये बात कही कि सोनिया गांधी ने तो अमृतसर में मंदिर में जाकर, स्वर्ण मंदिर में जाकर जो दंगे हुए थे 84 के, उसके लिए माफी मांगी थी। उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी इस मसले पर माफी मांगी थी, लेकिन क्या बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जामा मस्जिद में जाकर 2002 के दंगों के लिए माफी मांगेंगे? और उसी के बाद अभी अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव की नींव जातिवाद के आधार पर डाली थी, उसके बाद में होने वाले कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल जी मंदिर मंदिर जाना शुरू किए, और जब प्रथम चरण के 2-3 दिन पूर्व कांग्रेस को स्पष्ट रूप से हार दिखाई पड़ रही है, तब कांग्रेस ने अपनी मूल नीति एपीसमेंट की पॉलिटिक्स की और अपना रुख किया है। एक चैनल के डिस्कशन में कांग्रेस के पैनलिस्ट प्रवक्ता चरण सिंह ने, जो मुंबई कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा कि 2002 के दंगों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जामा मस्जिद के अंदर जाकर माफी मांगनी चाहिए। पूरा देश जानता है कि 2002 के दंगों में कांग्रेस से प्रेरित एनजीओ ने जितने भी फर्जी मामले लगाए थे, सुप्रीम कोर्ट तक केस गए, और सभी मामलों में कहीं पर भी मोदी जी पर कोई आरोप नहीं टिका है। फिर भी वोट बैंक कंसोलिडेशन के लिए, वोट बैंक को एकत्रित करने के लिए 2017 में 2002 के दंगों के लिए जामा मस्जिद के अंदर जाकर इस देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगने के लिए कहना, मैं मानता हूं इससे बड़ा तुष्टीकरण का उदाहरण कोई हो नहीं सकता।